हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर टू फोर सेवन एज़ यू ऑल नो वी हैव स्टार्टड अ सीरीज़ ऑफ़ एम और उस सीरीज़ की हमारी ये नाइन वीडियो है इससे पहले हमने एड वीडियोस को डिस्कस किया है और उन वीडियोस में मैंने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एज ऑफ चौसर एज ऑफ रिवाइवल एंड एलिजाबेथन एज को एम के माध्यम से डिस्कस किया है यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो आप प्ले में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को डिस्कस करेंगे और एलिजाबेथन एज की ये हमारी सेकेंड वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी नाइन वीडियो है तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ़ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर ऑफ द थिएटर्स आपको ये बताना है कि इसमें का कौन सा राइटर है जो थिएटर्स के वॉर में युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था फर्स्ट है बेन जॉनसन सेकंड है क्रिस्टोफर मॉर्लो थर्ड है जॉन मास्टन फोर्थ है थॉमस टेकर इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर मॉर्लो ये जो वॉर ऑफ थिएटर होता है बेसिकली ये बेन जॉनसन जॉन मास्टन और थॉमस टेकर के बीच में होता है बेन जॉनसन जो होते हैं ये लिख रहे होते हैं चिल्ड्रेंस कंपनी के लिए और जॉन मास्टन और थॉमस डेकर ये दूसरे राइवल ग्रुप के लिए लिख रहे होते हैं और इन्हीं लोगों के बीच में वॉर ऑफ थिएटर होता है या जो राइवल होता है उसी को हम जानते हैं वॉर ऑफ़ थिएटर के नाम से लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो इसमें शामिल नहीं होते हैं इसलिए सही आंसर होगा बी अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का द फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी इन अमेरिका वॉज इस्टैब्लिश्ड बाय वाल्टर रालिफ इन फिफ्टीन एटी फोर एक्ट आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी अमेरिका में है वो इस्टेब्लिश की गई थी वाल्टर रालिफ के द्वारा और ये स्टेब्लिश किए गए थे फिफ्टीन फोर में आपको ये बताना है कि अमेरिका में इसको कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट है न्यू इंग्लैंड सेकेंड है वर्जीनिया थर्ड है कैरोलिना फोर्थ है प्लाई माउथ और इसका सही आंसर है वर्जीनिया दिस द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन ईयर द ग्लोब थिएटर जो है उसको किस साल बनाया गया था फ़र्स्ट है फिफ्टीन सेवनटी एट सेकेंड है फ़िफ्टीन एट्टी थर्ड है फ़िफ्टीन नाइन्टी फाइव फोर्थ है फ़िफ्टीन नाइन्टी नाइन और इसकी सही इसका सही आंसर है डी फिफ्टीन नाइन्टी नाइन में ग्लोब थिएटर को बनाया गया था जो ग्लोब थिएटर है बेसिकली इसको शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बर लेन के मेन के द्वारा बनाया गया था फ़िफ्टीन नाइन्टी नाइन में और जो शेक्सपियर के जो अक्सर प्लेस हैं उनको यहीं पर परफॉर्म किया गया था यहीं पर उनका डेब्यू हुआ था ये जो ग्लोब थिएटर होता है इसमें आग लग गई थी 1613 में 1613 में जब इसमें आग लगी थी तो उस समय हैंनरी एर्थ को यानी कि हैंट को परफॉर्म किया जा रहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी तो उस समय शेक्सपियर के किस प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था तो हैं एर्थ को उसमें परफॉर्म किया जा रहा था अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का हो सेड मनी इज़ लाइक मक नॉट गुड एक्सेप्ट इट बी स्प्रेड ये कहना चाहते हैं कि किस राइटर ने कहा था कि जो मनी होती है ये कीचड़ या गंदगी की तरह है ये अच्छी नहीं होती है जब तक कि स्प्रेड नहीं होती है फर्स्ट है सर फ्रांसिस बेकन सेकंड है सैमुअल जॉनसन थर्ड है चार्ल्स लैम फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड और इसका सही आंसर है फर्स्ट सर फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया था सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हमारा फाइव नंबर का क्वेश्चन है इन विस प्ले डू यू हैव द लाइन माय लाइफ इज माय फोज डेट ये जो लाइन है ये आपको ये बताना है कि किस प्ले में यूज़ की गई है मेरी जो लाइफ है मेरे दुश्मनों की कर्ज है ये किस प्ले में यूज़ की गई है फर्स्ट है रिचर्ड थर्ड सेकेंड है हेम्बलेट थर्ड है मैकबेथ फोर्थ है रोमियो एंड जूलियट और इसका सही आंसर है डी रोमियो एंड जूलियट इस लाइन को रोमियो और जूलियट में यूज किया गया है शेक्सपियर के द्वारा रोमियो और जूलियट किसके द्वारा लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है तो अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्स नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट हैव अ मास्क इंटरलूड ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा प्ले है जिसमें मास्क इंटरलूड नहीं है फर्स्ट है अमिड समन नाइट ड्रीम सेकंड है द टेम्पेस्ट थर्ड है हेमलेट फोर्थ है रोमियो एंड जूलियट और इसका सही आंसर होता है थर्ड हेमलेट जो होता है इसमें मास्क इंटरलूड नहीं है और हेमलेट एक ट्रेजिडी है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है अगला क्वेश्चन हमारा है सेवन नंबर का द टाउन द टाउन ले प्लेस आर अ ग्रुप ऑफ अभी को यह बताना है कि जो टाउन ले प्लेस है ये किस चीज का ग्रुप है फर्स्ट है मिस्ट्री प्लेस सेकंड है ब्रेकल प्लेस थर्ड है मोरालिटी प्लेस फोर्थ है इंटरलूड्स। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है ये मिस्ट्री प्लेस का ग्रुप होता है ये जो टाउनले प्लेस है इसको हम वेक फील्ड प्लेस के नाम से भी जाना जानते हैं ये मिस्ट्री प्लेस हैं ये बेसिकली एक सीरीज़ है थर्टी टू मिस्ट्री प्लेस की कितनी प्लेस की बत्तीस मिस्ट्री प्लेस की एक सीरीज है और ये सीरीज बेस्ड है बाइबल पर तो आप याद रखेंगे इसको हम वेक फील्ड मिस्ट्री प्लेस के नाम से भी जानते हैं तो आप यह तो कह सकते हैं वेक फील्ड मिस्ट्री प्लेस या टाउन ले मिस्ट्री प्लेस तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा है एट नंबर का द डिसबेडियंट चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल फॉर ये कहना चाहते हैं कि जो द डिसबेडियंट चाइल्ड है ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है तो पहले हम समझेंगे ये जो द द दिस डिस ओबीडियट चाइल्ड जो है ये बेसिकली एक थियटरिकल कॉमिक इंटरलूड है और इसे लिखा गया था फिफ्टीन सिक्सटीन में बाय थॉमस इंगी लैंड के द्वारा इंग्लैंड के द्वारा थॉमस इंग्लैंड के द्वारा इसे लिखा गया था फिफ्टीन सिक्सटी में और ये किस तरह का प्ले है थेरेटिकल कॉमिक इंटरलूड है तो ऑप्शंस आपके पास हैं मिस्ट्री प्ले ब्रेकल प्ले मोरल्टी प्ले प्ले और इंटरलूट तो ये बेसिकली क्या है इंटरलूट है इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी अगला क्वेश्चन हमारा नाइन नंबर का है In which play do we find these lines? ये जो लाइन है वो किस प्ले में यूज की गई है लाइन है कोवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ यानी कि बुजदिल जो हैं डरपोक हैं या कायर हैं अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं द valiant नेवर टेस्ट ऑफ death, बट वंस लेकिन जो बहादुर व्यक्ति होता है वो केवल एक ही बार मृत्यु का टेस्ट लेता है यानी कि एक ही बार उसको मृत्यु आती है ये किस प्ले में यूज किया गया है फर्स्ट है हैमलेट, second है हेनरी फिफ्थ थर्ड है किंग लियर और फोर्थ है नन ऑफ these। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीस ये जो लाइन है ये यूज़ की गई हैं शेक्सपियर के रोमियो और चूलियट में अगला क्वेश्चन हमारा है टेन नंबर का इन हैमलेट जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है फर्स्ट है पोलोनियस सेकंड है ग्रेव जिगर थर्ड है हेमलेट फोर्थ है जेट रूड ये जो लाइन है ये जेट रूट के द्वारा बोली जाती है जो कि हेमलेट की मदर होती है और क्वीन ऑफ डेनमार्क होती है अगला क्वेश्चन हमारा है एलेवन नंबर का ऑल दैट ग्लिटस इज नॉट गोल्ड इज़ एन एक्सप्रेशन फ्राम द प्ले ये कहना चाहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ऑल दैट ग्लिटस इज नॉट गोल्ड हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है ये किस प्ले में यूज किया गया है फर्स्ट है ऑल स्वेल दैट एंड स्वेल सेकेंड है मच एडो अबाउट नथिंग थर्ड है द मर्चेंट ऑफ वेनिस फोर्थ है किंग लियर तो इसका सही आंसर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है एक ट्रेजिक कॉमेडी है और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वैसे यू इसका हीरो होता है पोलिश की हीरोइन होती है तो सही आंसर होगा थर्ड अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेल्व नंबर का इन विस प्ले डू यू फाइंड दीज लाइन्स ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड यानी कि तुम चलो ए ठंडी हवा दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड तुम्हारी जो आर्ट है जो जो तुम चल रही हो ये तुम्हारा जो काम है ये इतना अनकाइंड नहीं है एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड जितना कि आदमी की एक कृतज्ञता होती है इन होती है फर्स्ट like है एज यू लाइक इट सेकेंड है जूलियो सीजर थर्ड है द विंटर दिन ये विंटर स्टेल और फोर्थ है किंग लियर तो इसका सही आंसर है एज यू लाइक इट एज यू लाइक इट में इन लाइन का इन लाइन को यूज किया गया है अगला क्वेश्चन हमारा है थर्टीन नंबर का विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज ये कहने शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर यह कहता है दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है फर्स्ट है ओफेलिया सेकंड है फूल इन लियर थर्ड है मार्क एंटोनी फोर्थ है बैंको तो इसका सही आंसर है मार्क एंटोनी के द्वारा ये लाइनें बोली गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्टीन नंबर का विस कैरेक्टर सेलसी ये जलसी के बारे में कौन सा कैरेक्टर कहता है इट इज द्रीनड आइड मॉन्स्टर विच दो द मीट इट फीड्स ऑन ये किसके द्वारा बोला गया है फर्स्ट है ओथेलो सेकंड है एमिलिया थर्ड है कैसियो फोर्थ है यागो तो ये बेसिकली इयागो के द्वारा बोला जाता है शेक्सपियर की एक ट्रेजिडी जिसका नाम ओथेलो है और ओथेलो में यागो के द्वारा बोला जाता है इयागो इस प्ले का विलन होता है अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्टीन नंबर का विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग यानी कि कोई नथिंग से नथिंग ही आएगी ये कौन सा ये जो लाइन है नथिंग कैन कम ऑफ नथिंग ये किसके द्वारा बोली गई है शेक्सपियर के कैरेक्टर के यानी किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है फर्स्ट है किंगलियर सेकेंड है लेडी मैगबेथ थर्ड है कैलिबन फोर्थ है ओथेलो और इसका सही आंसर है किंगलियर अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्सटीन नंबर का द गटनबर्ग बाइबल वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन ये जो द गटन बाइबल है सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी और उसका डेट कौन सा जो फर्स्ट टाइम जब ये पब्लिश हुई थी तो किस डेट में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी फर्स्ट है फिफ्टीन फिफ्टी फोर्टीन फिफ्टी सिक्स सेकेंड है फिफ्टीन सिक्सटीन थर्ड है फोर्टीन फोर्टी फोर्टी नाइन और फोर्थ है 1498 एट इसका सही आंसर है फोर्टीन फिफ्टी सिक्स में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी अगला क्वेश्चन हमारा है सेवनटीन नंबर का डैश इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है जो फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल का बाइबल को प्रिंट किया था प्रिंटेड का प्रोड्यूसर है यानी ये कहना चाहते हैं जो फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल का प्रोड्यूसर इसमें से कौन सा है तो फर्स्ट है जेरोम सेकेंड है विलियम टंडेल थर्ड है माइल्स कोवरडेल फोर्थ है बीट तो इसका सही आंसर है माइल्स कोवरडेल अगला क्वेश्चन हमारा है एटीन नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट एपिक आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा एक क्रिश्चियन ह्यूमनिस्टिक एपिक है फर्स्ट है द फेरी क्वीन सेकेंड है एनियड थर्ड है पैराडाइज लॉस्ट फोर्थ है प्रोमिथियस बाउंड तो प्रोमिथियस अनबाउंड होना चाहिए तो इसका सही आंसर क्या है यह सही आंसर इसका द फेरी क्वीन है जो कि एडमंडर के द्वारा लिखा गया है अगला क्वेश्चन हमारा है नाइनटीन नंबर का वॉट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन हेमलेट ये कहना चाहते हैं कि हेमलेट के अंदर एक जो प्ले है इस प्ले को हेमलेट ने इसलिए परफॉर्म किया था ता, ताकि वो अपने पिता एक ट्राइप प्ले इसको कहा जाता है इसको इसलिए परफॉर्म किया गया था ताकि वो उस व्यक्ति का पता लगा सके जिसने हेमलेट के पिता को किल किया था मारा था तो जो प्ले प्ले किया जाता है हेमलेट के अंदर उसका नाम क्या है फर्स्ट है द मर्डर्स इन द रू मोरगू सेकेंड है द मर्डर ऑफ गोंजो थर्ड है द मर्डर ऑफ मर्डर ऑफ गोंजालो फोर्थ है मर्डर एट बास्कर विल्स तो इसका सही आंसर है सेकेंड द मर्डर ऑफ गोंसागो और हमारा ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन है बेकन रोट डैश एसेस इन ऑल ये कहना चाहते हैं कि बेकन के द्वारा टोटल कितने ऐसे लिखे गए थे फर्स्ट है फोर्टी सिक्स सेकेंड है फिफ्टी एट थर्ड है वन जीरो सिक्स फोर्थ है वन हंड्रेड ट्वेंटी इसका सही आंसर है फिफ्टी एट सर फ्रांसिस बेकन के द्वारा टोटल फिफ्टी एट एसेज लिखे गए थे और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी वन नंबर का विच इज़ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजडी आपको ये बताना है कि शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजडी क्या है जैसा कि हमें पता है कि शेक्सपियर अपने फोर ट्रेजडीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और वो है किंगलियर मैकबेथ हैमलेट वो थेलो ये चार ट्रेजडी जो यहाँ पर दी गई ये सारी ट्रेजिडी हैं और इन्हीं के लिए शेक्सपियर फेमस है लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजडी कौन सी है तो फर्स्ट है हैमलेट सेकंड है वो थेलो थर्ड है लियर फोर्थ है मैकबेथ और इसका सही आंसर फोर्थ है मैकबेथ सबसे छोटी है अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी टू नंबर का द कॉमिक कैरेक्टर टोनी लम्पकिन अपीय इन एक जो कॉमिक कैरेक्टर जिसका नाम टोनी लम्पकिन है वो किस प्ले में अपियर होता है किस प्ले में प्रकट होता है तो फर्स्ट है शी स्टूब टू कर सेकेंड है द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्नेस्ट थर्ड है आर्म्स एंड द मैन फोर्थ है जूनो एंड पे कॉक इसका सही आंसर फर्स्ट होता है शी स्टोब्स टू कौन कर ये जो शी स्टोब्स टू कौनकर है ये बेसिकली एक कॉमेडी है जिसे लिखा गया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा और ये फर्स्ट इसको परफॉर्म किया गया था लंदन में 1773 सेवेंटी थ्री में इसको सबसे पहले लंदन में परफॉर्म किया गया था तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजिडी वॉस आपको ये बताना है कि फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजिडी कौन सी है तो फर्स्ट है टाइटस एंड्रोनिकस सेकेंड है गोरबोडक थर्ड है द स्पेनिश ट्रेजिडी फोर्थ है टैम्बर ले इसका सही आंसर बी है गोरबोडक ये जो गोरबोडक होता है ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और इसे लिखा गया था थॉमस सैकविल और थॉमस नोटन के द्वारा तो बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन हमारा है ट्वेंटी फोर नंबर का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द फेमस बुक शेक्सपियरियन ट्रेजिडी वॉज रिटन बाय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि एक फेमस बुक जिसका नाम है शेक्सपी शेक्सपीरियन ट्रेजडी और इसे किसके द्वारा लिखा गया था फर्स्ट है डोवर विल्सन सेकंड है एस टी कोल्डिस थर्ड है चार्ल्स लेम फोर्थ है ए सी ब्रैडली इसका सही आंसर डी होता है ए सी ब्रेडली के द्वारा लिखा गया है शेक्सपीरियन ट्रेजिडी अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द लाइन इफ म्यूजिक द फूड ऑफ लव प्ले ऑन अपीयर्स इन शेक्सपियर्स ये कहते हैं ये जो लाइन है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव यानी लव की अगर फूड म्यूजिक ही है तो इसको बजाते रहो और ये किस प्ले में अपीयर होती किस प्ले में प्रकट होती शेक्सपियर के फर्स्ट फर्स्ट है अ मिड समर नाइट स्ट्रीम सेकेंड है एज यू लाइक इट थर्ड है ट्वेल्थ नाइट फोर्थ है डाउट एम बेस्ट और इसका सही आंसर होता है सी ट्वेल्थ नाइट में ये लाइन यूज की गई है तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर हैव अ गुड टाइम